हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ कि मैं अपने घर के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स क्यों लगाया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला तो ये बहुत ही सुंदर सा एक वाइट रोज़ है, तो इसको ऐसे मेरे टीवी यूनिट के पास में मैंने ऐसे लगाया है। आप देख सकते हो दोनों साइड में मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा पास आके मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, आप बताना। लेकिन ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हो ये रबर प्लांट है, ये रियल प्लांट है। आई होप ये सर्वाइव कर ले। इसको मैंने विंडोज़ के पास ही रखा है, लेकिन ये सर्वाइवल के बाद उस पर नहीं है। एक्चुअली क्यों मैं नहीं रख सकती वो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ थोड़ी देर बाद। और ये एक फ़िश बोल में मैंने ऐसे कलर करके उसको ग्लास कलर से ऐसे पेंटिंग किया है, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है मेरे हिसाब से। पता नहीं आप लोग को कैसे लगेगा। लेकिन और साथ ही साथ में मैंने ऐसे वाटर में इसको दो टाइप का मनी प्लांट जैसे लगाया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और काफ़ी अच्छे भी हेल्दी भी लगते हैं मेरे को। और ऊपर में ऐसे सिंगोनियम रखा है, काफ़ी फ्रेश दिखते हैं और अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी 2-3 साल से है। ऊपर से ऐसे एक लाइट भी लगाया है, इसको भी मैंने हैंड पेंटिंग किया है, ग्लास पेंटिंग है। इसमें भी आपको पास से दिखाती हूँ, अच्छा ही दिखता है जब जलता है तो, मुझे तो अच्छा ही लगता है। सब कुछ जब अपने हाथ से करते हो तो सभी अच्छा ही लगता है। दूसरे क्या कहते हैं उसको पता नहीं। और इस कॉर्नर में मेरे एक बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल एंथुरियम का प्लांट है, बहुत ही रियल दिखता है इसका भी, लेकिन हालत थोड़ा सा भी ख़राब है। और ये है मेरा मेन डोर, तो उसको मैंने ऐसे ग्रिल में वाइन की शेप देने चाहा है। और ये मेरा एक सेंटर टेबल के पास में छोटे सा क्यूट से टॉयज रखा है और एक आर्टिफिशियल सकुलेंट्स। और ये राइस जो है, ये ग्लिटर राइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं दिवाली में रंगोली बनाने के लिए। तो और पीछे ये देखो और एक कॉर्नर जिसमें मैंने ऐसे कुछ फिर से आर्टिफिशियल प्लांट्स। और ये देखो यही होता है मेरे घर में। और ये एक क्यूट सा लफिंग बुद्धा है बीच में जो हंसता रहता है और सबको हंसने की ज्ञान देता रहता है, यही बोल सकते हैं और क्या। बहुत ही क्यूट लगता है मेरे को लफिंग बुद्धा, आप लोग भी आपके घर में रखो। और इस कॉर्नर में मेरे एक एरिका पाम का आर्टिफिशियल प्लांट है, ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा लीव्स और शाइनी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना फिनिशिंग उसका अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्राइस में खरीदा है तो ठीक ही है। और ये मैंने आर्टिफिशियल नहीं है, ये स्नेक प्लांट जो है रियल है। इसको वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को ऐसे थोड़ा सा पेंट करके मैंने बनाया है। ये भी एक बॉटल से बनाया हुआ नीचे का हिस्सा है, इसको पेंट करके ऐसे फ्लावर का मैंने ऐसे शेप दिया है। और ये आप देखिए दूर से मेरा एक कॉर्नर। और ये भी मेरा बहुत ही क्यूट सा डोर, छोटा छोटा अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदा है जो काफ़ी क्यूट लगते हैं। इसको एक्चुअली मैं रखने वाली थी यहाँ पे, जो यहाँ पे ऐसे गैप्स है उसमें, लेकिन इसको मैं नहीं रख सकती। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा क्यों नहीं रख सकती। तो ये आप व्यू देखिए एक साइड से मेरा लिविंग रूम का। और अब मिलिए उस वजह से जिसके वजह से मैं नहीं रख सकती। अच्छा, ये आया लकी द मिनी पैंथर, बहुत ही क्यूट है। और ये है आर्या, अभी ये लोग बाहर निकल रहे हैं अपने बेडरूम से। ये आया अभी सबसे प्यारा जिंजर कैट डैनी, ये आर्या बहुत ही शरारती है और डैनी भी। और अभी बड़े दो आना बाकी है। हाँ अच्छा, ये हो गया पुम्बा। और ये जो सफ़ेद सी है ये कैलिको है, इसका नाम है बॉबी। ये बिल्कुल महारानी की तरह रहती है, सब पे अपना हुकुम चलाती रहती है बाकी चारों पर। तो एक बार जब ये लोग आ जाता है तब मतलब आप जान सकते हो कि क्या होता होगा मेरे घर के अंदर। अभी जो इतना सुंदर से मैंने रखा है तो एक सेकंड नहीं लगेगा इनको सब बर्बाद करने में। और मेरी सारी प्लांट्स यही है जो बर्बाद कर देते हैं, खा के उसको गिरा के पता नहीं क्या क्या करते। चलो अभी शुरू हो गई इनका खेल, जैसे आप देख रहे हो, मतलब इसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है सब कुछ ख़राब करने में और एकदम बिल्कुल ये उनका प्लेग्राउंड हो जाता है। गया अभी वो मेरा, ठीक है चलो। तो इस वजह से मैं नहीं रख सकती। और थोड़ा क्या होता है कि प्लांट्स अगर उसको लीव्स में वो खाते हैं तो उसको कभी कभी उनको वॉमिटिंग भी हो जाता है। अच्छा इसको देखो, ये है आर्या, पूरा जगह आगे की तरफ खाली है लेकिन इसको नीचे से ही जाना है, मतलब पीछे से ही जाना है और सब कुछ गिराना है। तो इनको समझ में नहीं आता है, मतलब कहाँ कहाँ से घुसते रहते हैं, कहाँ कहाँ से। अभी देखो इसको डांट पड़ी है ना, तो अभी वो प्यार दिखाने के लिए आ गई मेरे पास।
लेकिन बहुत ही क्यूट है। तो मेरे पास 5 कैट्स है। तो हेलो आर्या, पेट्स मतलब हमेशा मेरे को लगता है कि सभी को रखना चाहिए, बहुत ही प्यारे हैं। आपको इतना प्यार और इतना निस्वार्थ प्यार आपको देंगे, तो इसके मतलब इससे ज़्यादा कोई प्योर चीज़ है ही नहीं। हाँ होगा कि मतलब थोड़ा बहुत आपको का सोफ़ा डैमेज करेगा, कुछ प्लांट्स डैमेज करेगा, लेकिन इतना क्यूट है और इतना सारा आपको खुशी देगी साथ ही साथ में। तो इसलिए आप हमेशा अपने घर में पेट्स ज़रूर रखें और उनको बहुत प्यार दें। मेरे ये जो सारे पेट्स जो रेस्क्यूड पेट हैं, मतलब कोई एनजीओ से दिया तो कोई मैंने रास्ते में पड़ा हुआ उठा के लाया। तो आप भी वैसा करो, आप कभी पेट्स खरीदो मत। तो बस इतना ही। तो यही वजह है कि मैं अपने घर में रियल प्लांट्स अंदर में नहीं रख सकती। तो इनका तो अभी चलता ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।